तो है गाइस, वेलकम टू टेक्निकल आरबी में आपका स्वागत है। तो फिर से मैं आपके लिए कमाल की ऑफर लेकर आ चुका हूँ जो आ रही है जियो की तरफ से। ये ऑफर नहीं है, ये एक ट्रिक है, जियो की ट्रिक, जहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा मिलने वाला है, क्योंकि अभी चल रहा है लॉकडाउन और लॉकडाउन पे आपको भी चाहिए बहुत सारा डेटा फ्री। तो इस वीडियो में आपके लिए ऐसी एक ट्रिक लेकर आ चुका हूँ जिसमें आपको फ्री में डेटा मिलता रहेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, जिसमें आपको टोटल 200 GB डेटा फ्री में मिलने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहेगा और फ्री में 200 GB डेटा का आनंद लीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ यार इसको जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ऑफर रहती है वो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। स्पेशल रिचार्ज से रिलेटेड हो या फिर ऐसी कोई भी ऑफर हो वो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आप अच्छे से समझ पाओ, इसलिए मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दे कर रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे ही मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पे आपको एक अच्छा कमाल का प्लान मिल रहा था जो सिर्फ बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा था। ये प्लान आपको सिर्फ और सिर्फ 410 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो अगर आपको वो वाला प्लान भी रिचार्ज करना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के दिया है, तो उसको जरूर से देख लेना ताकि इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो जियो की रिचार्ज ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, डेटा ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको 500 रुपीज़ का एक रिचार्ज करना होगा। आप चाहो तो वो 500 रुपीज़ अलग अलग करें या फिर एक साथ करें, मतलब आपको रिचार्ज करना ही है 500 रुपीज़ का। तो ठीक है, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसको सबसे पहले देख ले, आगे तक एंड तक देखते रहना। लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि आपको एक 500 रुपीज़ का रिचार्ज करना ही है। जैसे आप 500 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे उसमें आपको मिल जाएगा 420 रुपीज़ का मेन बैलेंस का टॉक टाइम। तो ठीक है, वो आपके माई जियो में आ जाएगा 420 रुपीज़ का टॉक टाइम, जो कभी भी एक्सपायर नहीं होने वाला है। तो ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपल है, आपको हर 10 रुपीज़ के रिचार्ज के आपको 1 GB डेटा मिलता है। तो इस हिसाब से हम 500 रुपीज़ का रिचार्ज देखें, 500 रुपीज़ के रिचार्ज करेंगे तो हमें 50 GB डेटा मिलने वाला है। तो ठीक है, आपको 420 रुपीज़ का टॉक टाइम भी मिल जाएगा और साथ में आपको 50 GB का डेटा भी मिल जाएगा। तो ठीक है, अब आपको फिर से रिचार्ज कर लेना है 100 रुपीज़ का। जी हाँ, आपको फिर से 100 रुपीज़ का रिचार्ज करना है, जहाँ पे आपको 81 रुपीज़ का टॉक टाइम मिल जाएगा और साथ में आप 100 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे, इसीलिए आपको 10 GB डेटा और मिला जाएगा। तो ठीक है, जैसे आपने 100 रुपीज़ का और एक रिचार्ज करना है जिसकी आपको टॉक टाइम बैलेंस मिल जाएगी 81 रुपीज़, और ऐसे आप करके आपको दो बार फिर से 100 रुपीज़ का रिचार्ज कर लेना है। सिंपल, इस दोनों प्लान में आपको 81 रुपीज़ का मेन बैलेंस का टॉक टाइम मिल जाएगा, उसी मेन बैलेंस से आप आगे जाके रिचार्ज भी करने वाला हूँ, वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ही देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। तो ठीक है, आप दोनों ही प्लान रिचार्ज करोगे 100 रुपीज़ का, तो आपको सिंपल इस दोनों में आपको 100 रुपीज़ का डेटा मिल चुका होगा। तो ठीक है, तो इसके बाद आप अभी हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखते रहते कि हमें टोटल इसमें हमने इन्वेस्ट कितना किया है। तो टोटल हमने इसमें इन्वेस्ट किया है 700 रुपीज़ का, जिसमें हमें मिल चुका है 583 रुपीज़ का, मतलब 583 रुपीज़ का आपको मेन टॉक टाइम मिल चुका है, जिसको आप कहीं भी कभी भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, ये मेरे से आपको मिल चुका है 583 रुपीज़ का आपको इसमें टॉक टाइम मिल चुका है, जो आपने 700 रुपीज़ का इन्वेस्ट किया है इसमें। और इतना नहीं, प्लस आपको फ्री में डेटा मिल चुका है 7 GB का। तो ठीक है, इसमें आपको जो 97 GB डेटा है वो एकदम फ्री में मिल चुका है। तो ठीक है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे आपने ये 500 रुपीज़ का रिचार्ज किया, इसमें आपको 100 रुपीज़ का और दो रिचार्ज कर लिया, तो अभी आपने टोटल रिचार्ज कर चुके हैं 700 रुपीज़ का और आपकी मेन टॉक टाइम बैलेंस हो चुकी है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी आप 500 रुपीज़ का रिचार्ज करोगे उसको प्लीज़ आप जो जियो पोस्ट ऐप से, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के दिया है, अगर आप वहाँ से रिचार्ज करोगे तो आपको बहुत सारा अलग से कैशबैक मिलने वाला है। वो भी मैं आपको इसके ऊपर भी मैंने आपको एक कल वीडियो दूंगा, जहाँ पे मैं आपको इसमें एड मनी करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपको एड मनी वहाँ से करोगे तो आपको इसमें 50 रुपीज़ का आपको बैलेंस मिल जाएगा जियो पोस्ट ऐप्स में, और उसके अलावा आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा अमेजोन में। तो 100 रुपीज़ का आपको कैशबैक भी मिल जाएगा और आपको 500 रुपीज़ का टॉक टाइम भी मिल जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको कल देने वाला हूँ। ठीक है, अभी इस ट्रिक को अप्लाई आप चाहो तो कर सकते हो, जैसे इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के दिया है, तो चाहे तो उसको भी देख सकते हो। अभी हम देख लेते हैं फिर से, हमने इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं 700 रुपीज़ का और अभी हमें बैलेंस भी मिल चुकी है 583 रुपीज़ की, तो करीबन हमें 600 से थोड़ा कम, हमें 600 जितनी मेन बैलेंस भी मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है,
जो हमारे पास मेन बैलेंस पड़ी है उसी को हमें रिचार्ज कर लेना है 555 का ये प्लान, जहाँ पे आपको पूरी वैलिडिटी भी मिल जाएगी और जो भी आपके मेन बैलेंस है उसी से आपका रिचार्ज भी हो जाएगा, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा डेली मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी मिल जाएगी 84 दिन के लिए। तो ठीक है, ये वाला प्लान आप चाहो तो उसको रिचार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये प्लान बेस्ट है। तो आप इसी को ही मेरा रिकमेंड मानो तो इसको रिचार्ज कर सकते हो, और जैसे इसमें रिचार्ज करोगे तो जो भी आपको जो डेटा मिलने वाला वो तो मिलेगा, साथ में आपको ये वाला डेटा भी अभी मिल जाएगा जो 67 GB हमें मिला है, उसको भी कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल फाइनल कितना हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमने 555 का रिचार्ज करेंगे उसमें हमें 126 GB डेटा मिल जाएगा। तो ठीक है, इसमें हमें इतना डेटा मिल जाएगा, और इसके अलावा प्लस हमने जो 700 रुपीज़ का रिचार्ज किए हैं उसके लिए हमें मिल जाएगा टोटल में 67 जीबी। और इसके अलावा अभी हम टोटल अपना देखें तो हमें टोटल मिल जाता है 193 रुपीज़, तो मतलब ऑलमोस्ट 200 GB डेटा में मिल जाता है। सिंपल और सिंपल आपको 700 रुपीज़ दे के टोटल 200 GB डेटा मिल जाता है। तो ठीक है, ये होता है टोटल कलेक्शन। तो इसके मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करता कि आप चाहो तो उतना ही वाला करो, आप चाहो तो प्लान आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मुझे ठीक लगा वैसे मैं आपको बताएं। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें अगर आप चाहो तो 599 का रिचार्ज भी कर सकते हो, जिसमें आपको डेली 2 GB डेटा मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें आपको डेली 2 GB डेटा मिल जाएगा। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ अगर आपको चाहिए आपको पूरा डेटा चाहिए फ्री में, तो ही ये ट्रिक अप्लाई करना। अगर आपको फ्री में रिचार्ज वगैरह चाहिए तो आज इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो नहीं बना के दिया है, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ जियो रिचार्ज ट्रिक ही बताई है कि आपको डेटा फ्री में मिल जाए इसकी ट्रिक बताइए। तो अगर आपको इस टाइम पे डेटा ही चाहिए तो इस ऑफर को अप्लाई करना, वरना बिल्कुल मत करना। मैं नहीं चाहता कि आपका फालतू में पैसा वैसे हो, क्योंकि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा डेटा चाहिए तो इस ट्रिक को जरूर से अप्लाई कर सकते हो। और जो भी आपको जो भी वाउचर मिले होंगे डेटा के रूप में उसकी भी वैलिडिटी आपको 84 दिन की मिल जाएगी, और जो भी आपका प्लान होगा उसकी भी वैलिडिटी आपको 84 दिन की मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डेटा चाहिए तो ही इस प्लान को यूज़ कर सकते हो। और आपका जो भी आप रिचार्ज करोगे, आप 555 वाला करोगे या फिर आप 599 का रिचार्ज करोगे, आपको 2 GB डेटा मिला है तो आपको जो भी डेटा जितना भी आप चाहो उतने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आपका 70 GB एक्स्ट्रा डेटा मिला है उसको आप चाहो तो एक दिन में भी उड़ा सकते हो, और आप चाहो तो 10 दिन भी लगा सकते हो, या आप चाहो तो 84 दिवस भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जियो पोस्ट ऐप्स में ही से ही रिचार्ज कीजिएगा, ताकि आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिल जाए, और आपको रिचार्ज में और सारा कैशबैक भी, डिस्काउंट कैशबैक सब कुछ आपको मिलता रहे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो भी ठीक लगे इसे आप रिचार्ज कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।